नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। DTPLSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट में आपका खुला स्वागत है। आज का थॉट, कई बार व्यक्ति क्या होता है, उसके पास जवाब होता है लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको रिश्ते बचाने होते हैं। कई बार रिश्ते बचाने के लिए हारना भी जरूरी है और खामोश रहना भी जरूरी है। अगर हम हर रिश्ते में पलट कर जवाब देंगे तो रिश्ते बिखर जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जीतने के लिए खामोश रहकर हारना ही जरूरी होता है। और कभी भी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक बार, आज मैं आपको एक मार्मिक कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही वायरल हो रही है और वास्तव में ये कटु सत्य है। एक एरोप्लेन में एक बंदा सफर कर रहा था तो एक खूबसूरत सी मोहतरमा एक औरत प्लेन में चढ़ती है और वो अपनी सीट के पास जाती है तो देखती है कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसके तो दोनों हाथ नहीं। तो वो एयर होस्टेस से बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मैं यहाँ पर नहीं बैठ पाऊँगी। तो उन्होंने बहुत समझाया, क्यों लोगों, नहीं मैं यहाँ पर असहज फील करूँगी क्योंकि कंधा ऐसे ही बैठा हुआ है। तो वो बोलती, तो ठीक है मैडम, वैसे सीट तो आपकी यही है लेकिन फिर भी हम अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं कि क्या किया जाए आपकी सुविधा के लिए। तो वो गई क्रू रूम में और पायलटों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ बात हुई होगी, तो आके वो बोलती है कि हमने डिसीजन लिया है कि बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए तो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत खुश हुई। तो एयर होस्टेस ने कहा, जो जेंटलमैन था, प्लीज़ सर आइए, आपको वहाँ पर जाना। तो तब उस महिला का सर शर्म से झुक गया। तब उस बंदे ने बोला कि मैं बहुत देर से देख रहा था इस औरत को, तुमको पता है ये मेरे दोनों हाथ आपके सुरक्षा के लिए कटे हैं, मैं एक फौजी हूँ और मेरे जंग में हाथ कटे हैं जिसको तुम देखकर मुझे हे दृष्टि से देख रही हो। तो जो सम्मान का अधिकारी है उसको आप हे दृष्टि से देख रहे हो। किसी को आप उसके आउटलुक से नहीं पहचान सकते कि वो बंदा कैसा है। तो पूरे प्लेन में तालियां बज उठी और उसको सम्मान दिया गया, उसको बिजनेस क्लास में बैठाया गया, आप बैठ जाइए यहाँ पर। तो ये सुंदरता एक बाहरी दिखावा होता है, आपके अंदर गुण होने चाहिए। आपके गुण ही आपको ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की। दूसरा बंदा क्या है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। मान लिया आप उससे मिलते हो, बैठा है वो बंदा और आप उससे हे दृष्टि से देखते हो कि ये कौन है, ऐसे ही परंतु आपको क्या पता कि वो है क्या। तो जब तक किसी के बारे में न जान जाओ उसको कभी हे दृष्टि से या बुरा भला मत करो। ये मेरा आज का टॉपिक था जो मैं आपको बताना जा रहा था। अब बात करते हैं DTPLSB। DTPLSB में कल कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड आए हैं जो आपके 21 तारीख को एग्जाम है, जिनके 21 जून को, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है बहुत ही स्मूथली और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और आपके आने वाला मेडिकल है उसकी भी फार्म भरे जा रहे हैं और उसकी डेट हॉस्पिटल में मिल रही है। तो आप सब लोग चिंता न करें, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे 3 बजे लाइव, तब बात करेंगे हर टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।